तेरी चेस्ट बात वाली बाई का फोन आया था। वो यहाँ पर आना चाहती है मुझसे मिलने के लिए। किसी इंसाफ के बारे में बात करी थी, तेरा भी नाम लिया उसने। कह रही थी कि तू भी इसी केस पर काम कर रही है। पूरा मामला जानना चाहती हूँ मैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आगे मुझे भी तो पता चले कि किस फिराक में है तेरी ये मैडम सर। अरे सुनो, अरे कहाँ जा रही हो, हमें उठाओ ना। इसीलिए तो हम हमेशा कहते हमारे लल्ला की तो भाग ही फूट गए, हमारे भी भाग फूट गए। माफ कर दो, वो गलती से खाया हमने, हमें नहीं पता था जो हम खा रहे हैं वो है। हमें माफ कर दो, हम दोबारा किसी बिट्टू को कट्टू करके नहीं खाएंगे। हमें माफ कर, हमें माफ कर, हमें माफ कर। सुनो शिवानी, एक लड़की है आशा, हमारे थाने के सामने एक चाय का ठिया है, बदनाम उसको चलाता है उसकी बहन है। वो जो तुमने ये शराब बंदी किया है ना, उसके चक्कर में वो बहुत परेशान है। उसका पति ब्लैक में दारू खरीद रहा है और घर का बजट एकदम बिगड़ गया है। तो मैडम सर उसको लेके तुम्हारे पास आना चाहती है ताकि तुम्हें ये साबित कर सके कि तुम्हारी शराब बंदी की वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के घर पे। अगर ऐसा हुआ तो लोगों की नजरों में चिंगारी गैंग गलत साबित हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, उसके पति की खोपड़ी ठिकाने लगाने पड़ेगी। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी समस्या, ना रहेगा फरियादी। काम मुसीबत है ये। अगर आशा के पति को कुछ हुआ तो आशा का भरोसा हमसे उठ जाएगा, अगर मैडम सर के पास गए तो शिवानी का भरोसा हमसे उठ जाएगा। करो तो क्या करे, इस चक्रव्यूह से कैसे निकले हम? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर, हम दोबारा किसी बिट्टू को कट्टू करके नहीं खाएंगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ। क्या क्या कर रही हैं आप? हटिए, हटिए उसको। माफ माफ। वाओ, बिल्ले बिल्ले समझ ना यार। क्या? अभी भी टाइम है भाई, हमको ये सब कुछ ना बड़ा अजीब लग रहा है, हमको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। भाई एक काम करते हैं, यूटर्न मारते हैं, वापस चलते हैं, है ना? नो नो, यहाँ से यूटर्न नहीं है, बस ये वन वे है। और अभी से तुम कैसे कह सकते हो अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये कैसे कह सकते हो? अरे अभी तो तुम्हें लड़की से मिलना है, बातचीत करनी है, वार्तालाप करनी है, फिर तुम डिसाइड करोगे ना कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे पहले कैसे? भाई तुम्हें झंडे गाड़ने हैं, आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। गुड लक, गुड लक। दिस इज योर टेबल। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, अब से बाहर मत हो। कुछ खाएंगी आप? हाँ वो मैं, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। नहीं नहीं, जो आप बोले। यहाँ का ना बर्गर बड़ा अच्छा मिलता है, तो वही मंगाते हैं। ए बाबू, ए सुने जरा, ये तुम्हारा सादा पनीर पुदीना वाला जो बर्गर है, दो लार्ज लेकर आओ। सुनो, चटनी थोड़ा ठीक से डालना। और बताइए। 6:05 हो गए। 6:05 हो गए है ना? 1 मिनट के बाद 6:06 हो जाएंगे। पांच मिनट और हो गया, 6:10 हो गया। हाँ। कौन की क्या बात कर रहे हो? देश के पॉपुलेशन के बारे में बात करो। डेट पे आई है कि घंटा घर घूमने आई है? और भी कुछ बोलना, बात बढ़ा आगे।
6:20 हो गए ना। साढ़े छः हो गया। साढ़े छः बज गया। बताइए ना, बातों बातों में पता ही नहीं चला कब समय इतना ज्यादा हो गया। समय का क्या है, पंछी ऐसा होता है, उड़ जाता है, उड़ गया। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। तो हमारे ख्याल सब हमको चलना चाहिए। है? कुछ हुआ नहीं यार, चलना चाहिए। बर्गर तो आया नहीं। बर्गर खाने आई है कि डेट पे आई है? हाँ, बर्गर भी नहीं आया, फिर कभी। फिलहाल चलते हैं, बाय। ठीक है, बाय। सत्यानाश, ये बाप रे, सत्यानाश। वो देखो, ये भाई है ना बदनाम का जीजा आशा का पति। हाँ हाँ, वही है, वही है ना। नाम का है? मैडम पता तो है आपको, मंकी के पहले भूल के उठा के लाई। इकबाल नाम है हमारा। उसका नाम पूछ रहे हैं हम। हरीश, उसका नाम हरीश है। चिंगारी गैंग आ गया है। तुम तो जाके हम जैसा कह रहे हैं ना, तुम्हें वैसा करना है। बिल्कुल बदनाम की चीजों पे जाके हमला करना और बोलना है तुम चिंगारी गैंग से हो। कहां से हो? चिंगारी गैंग से। बस। अरे आइए आइए आइए, लखनऊ का मशहूर कुल्फी, आइए आइए। धारी पे जीने वाले इंसान, हम है चिंगारी गैंग। चिंगारी गैंग, चिंगारी गैंग से पंगा। पीट पीट के धोते और धो धो के पीटते। अरे चिंगारी गैंग बोल। क्या हुआ? क्या चिंगारी गैंग? जोर से बोल। चिंगारी गैंग। चिंगारी गैंग। अरे तेरी, अगर तुम्हारा हाथ काट कर फेंक नहीं दिया तो हमारा नाम भी हरीश ही है। अरे सॉरी बोल। सॉरी। जोर से बोल। बचाओ कोई। आवाज नहीं आई। बचाओ कोई। क्या रे, रुक क्या रे, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। जाइए अपना अपना काम कीजिए, सब जाइए। हाथ काट रहा था। अच्छा हुआ मैडम आप आ गए। ये हम पे हमला कर रहा था, ये चिंगारी गैंग का आदमी है, पकड़ लो उसको जेल में। इसको तो मैं छोडूंगा। एक मिनट, हम है ना, दूर रहिए थोड़ा, शांति से। चिंगारी गैंग से हो तुम? चिंगारी गैंग से हो तुम? चिंगारी गैंग से हो तुम? जा यहां से। मैं छोडूंगा नहीं मैम। एक मिनट, पीछे आइए। कहां जा रहे हैं? मरोगे वहां जाओगे तो। चिंगारी गैंग को पता चलेगा कि तुम उनको पकड़ने जा रहे हो ना, तो तुमको सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ सेफ हो तुम। ए बोला, ए दुकान देखना, आइसक्रीम बेचना, खाना नहीं है। छोड़ो छोड़ो मैम। सामान कहाँ छोड़ो? नया केस, हम अभी आरती की थाल लेकर आते हैं। एक मिनट, पहले देख तो ले क्या मसला है। चा 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 चा, ये लीजिए बड़ा बदनाम इस। अरे ये कहाँ से आ गया? अबे बड़े सही टाइम पे एंट्री मारे मेरे साले साहब। बता इनको, बता इनको मैं कौन हूँ, बता इनको कि मैं इनके गुरु का जीजा हूँ। एक मिनट, कौन गुरु का जीजा, कौन जीजा, कौन गुरु, क्या क्या बकैती चल रहा है ये? मजाक करने की आदत है जीजा को। बे क्या मजाक बे, मैंने तो कहा था कि ये थाने वाले सारे तुम्हारे चेले हैं और तुम इनके गुरु हो। बेटा तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। मैडम सर, चिंगारी गैंग ने इन पे हमला किया था, दोबारा हमला ना करे इसलिए हम यहाँ थाने ले आए ताकि ये सुरक्षित रहे। इसका मतलब चिंगारी गैंग को कहीं से पता चल गया है कि हमने बदनाम की बहन आशा का केस लिया है और उसे लेकर हम चिंगारी गैंग के पास जाने वाले हैं। और हम ऐसा कर सके इससे पहले खुद चिंगारी गैंग ने आशा के पति पर हमला किया। पर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि हमने ये केस लिया है, ये डिस्कशन तो सिर्फ हम लोगों के बीच हुआ था, किसी और को पता ही नहीं है। हाँ? तो फिर ये बात चिंगारी गैंग तक कैसे पहुंची? अरे मैडम सर, वो चिंगारी गैंग है, वो उनके अपने सूत्र होंगे, जगह जगह फैले होंगे नेटवर्क, को तो सब कुछ पता होगा कि कहां क्या चल रहा है, और खास करके हमारे थाना में क्या चल रहा है वो तो उसको पता ही होगा। कहीं से भी पता चला मैडम, मेरी जान तो फंस गई ना मैडम, मुझे वे चिंगारी गैंग से बचा दीजिए, नहीं तो जहां भी उन्होंने देखा मुझे तो रगड़ देंगे ना। मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं कि अगर अगर इनके जीजा जी को चिंगारी गैंग से बचाना है, सेफ रखना है, तो
अगर इनके जीजा जी चिंगारी गैंग के खिलाफ एक एनसी दे दे, वो क्या कहते हैं कानूनी भाषा में, वो नॉन कॉग्निजिबल क्राइम जो होता है, अगर वो कर देंगे तो चिंगारी गैंग इसे कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम पूरे गैंग को पकड़ लेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वेरी गुड करिश्मा सिंह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, कीजिए जल्द से जल्द इनकी एनसी करवाइए। जी बिल्कुल, बैठिए। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत आपने हमें चिंगारी गैंग से बताया। छह बज के 5 मिनट हो गए। पांच मिनट और हो गया, 6:10 हो गया। बस ऐसे ही अकेले बैठ के ख्यालों में रोमांस कर अपने उस चीतेश्वर के साथ। सामने तो मुझसे आवाज तक नहीं निकलती। 6:15, 6:30। अरे डेट पे गए थे या घड़ियां ठीक करवाने? अच्छी खासी रोमांटिक डेट का ना घंटा घर बना दिया बस। भाई जैसा भी था ना, था बड़ा गजब। बात ना हुई ना ना सही, पर मने ना उसने कैसा फील करा दिया मैं क्या बताऊं। मेरे दिल में घंटे बज रहे थे, ऐसी ना अंदर से चुरमुराहट सी फील हो रही है। आज ना मैं पहली बार लड़की जैसा फील कर रही हूं ताई। आज मैंने ना किसी लड़की की नजरों में पहली बार कुछ अलग सा देखा अपने लिए। ये सब ना थारी वजह से हुआ है ताई, इसका सारा क्रेडिट थारे को जाता है। थैंक यू ताई। अरे हमने क्या किया है, ये स्पेशल बिन्नी ना हमेशा से ही इसी बिन्नी के अंदर थी, हमने बस उसे तुमसे मिलवाया है बस। पर जो भी है थैंक यू रे। अरे ताई हारिश ऐसा निकल गया क्या, दोबारा आपने रेडी पे वापस आया ही नहीं? कुछ तो गड़बड़ है शन्नू, कोई अपनी खुली रेडी छोड़कर कैसे भाग सकता है और लौट कर ही नहीं आए। पुष्पा जी मिली क्या फाइल? देखिए प्लीज, बहुत जरूरी है, डीएसपी सर के पास पहुंचानी है अर्जेंट। मिल गई मैडम सर, मिल गई। यही है क्या? हाँ, थैंक गॉड। डार्लिंग, हमारे लल्ला का नाम डार्लिंग करके सेव किया है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, हम तो एकदम ठीक है। क्यों, लग तो नहीं रही, कुछ छुपा रही है क्या हमसे? अरे मैडम सर, आप भी कहाँ छुपाएंगे आपसे, कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं। ये फोन लल्ला का ही है ना? और कौन हो सकता है मैडम सर, इनकी जीवन में लल्ला के अलावा और कौन डार्लिंग हो सकता है? उठाइए फिर, उठाइए, हमें बात करनी है। पूछ लेना काला के बारे में, उनके हाल चाल जान ले। हाँ उठाइए ना मैडम सर, भी तो बात कर लेगी। हाँ। तो पहचानता है ना मैडम सर को, उठाइए उठाइए जी। हेलो डार्लिंग पतिदेव, नहीं वो सब बाद में, पहले आप जो हम कह रहे हैं वो सुनिए। वो मैडम सर और पुष्पा जी आपसे बात करना चाह रही हैं, वो स्पीकर पर डाल रहे हैं हम फोन को, ठीक है? बात कीजिए आप। हेलो हेलो करिए सबको। हेलो कैसे हैं आप? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो लल्ला, हाँ हम अम्मा बोल रहे हैं। अरे मैडम से भी बात करना चाहती, बात करना, हेलो कहो ना, कहो। हेलो, हाँ वो नेटवर्क नहीं है ना, या हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ता है अच्छे से, तो इसलिए आवाज नहीं आ रहा उनका। वापस लगाइए। वापस लगाइए, हमें उनसे बात करनी है। जी जी। लगता समझ गए कि बात करने का फायदा ही नहीं है ना, नेटवर्क नहीं होता तो फिर बाद में तसल्ली से बात करवाते हैं आपसे, ठीक है? ठीक, जय हिंद।
कुछ तो चल रहा है करिश्मा सिंह के साथ जिसका हमें पता लगाना होगा, लेकिन उससे पहले शिवानी से मिलना जरूरी है। बेटा, मेरी दुकान पर हमारे ही मोहल्ला के दबंगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। वो एक ही दुकान मेरे जीने का सहारा है। अगर वो दुकान चली जाएगी तो मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। मेरी मदद करो बेटा। तू चिंता नको कर उस्ताई, रड़ू नकोस। वो दुकान तेरी थी और तेरी ही रहेगी। कल से उस दुकान के गल्ले पर तू बैठेगी और आज से ना ही तुझ पर या तेरी उस दुकान पर कोई भी आंख उठा कर देखेगा। शिवानी की जबान। हो जाएगा जीजी, सूरज ढलने से पहले इसकी दुकान इसके पास, और जिसने भी इसकी दुकान हड़पने की कोशिश की है वो सारे अस्पताल। धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अरे कमाल है, किसी ने अब तक चाय पानी नहीं पूछा। अरे खुद सरकार चलकर आई है हमारे गरीब खाने में। कोई तो कदर कर लो इन वर्दी पहनने वालों की। बड़े खून पसीने के बाद मिलती है ये खाकी। शुक्रिया। बोल एसएचओ हसीना मलिक, ये चिंगारी संगठन तेरी कैसे मदद कर सकती है? तो ये आशा है शिवानी, ये उन औरतों में से एक है जो तुम्हारे इस अचानक से लिए हुए शराबबंदी के फैसले से बहुत ज्यादा परेशान है। इसके जैसी न जाने और कितनी औरतें हैं जिनके पास ना बच्चों के देने की स्कूल की फीस है और ना ही पेट भर खाने के पैसे। और तुमने जो ये अचानक से शराबबंदी का फैसला ले लिया है, इससे तो अब इनकी हालत सड़क पर आने जैसी हो गई है। तुम समझ नहीं रही हो शिवानी, तुमने तो फैसला ले लिया लेकिन तुम्हारे इस फैसले से जो लोग नकली शराब बनाने का काला धंधा करते हैं उन्हें तो मौका मिल गया ना। उन्होंने तो नकली शराब बनाना शुरू कर दिया, दोगुने चौगुने पैसे देकर रेट बढ़ाकर उसे बेचना शुरू कर दिया, और लत से मजबूर लोग इस जाल में फंसते जा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस एक फैसले से कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, कितने लोगों को परेशानी हो रही है और वो परेशानी बढ़ती जा रही है। और इसी परेशानी का जवाब मांगने आज आई है। यकीन नहीं हो रहा है कि हसीना मलिक ये कह रही है। इस समाज की सबसे बड़ी बुराई शराब की पैरवी कर रही है। जहर होती है ये शराब, जस्ट बातों वाली बाई, जो धीरे धीरे इस समाज की जड़ों में फैलकर इस समाज को अपाहिज बना रही है। और तू कहती है कि हमने शराब पर पाबंदी लगाकर गलती की। शिवानी, हर काम करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर किसी बीमारी को ठीक करना है तो पहले लोगों को जागृत किया जाता है। इस तरह से उस परेशानी पर तेजाब फेंक कर नासूर नहीं बनाया जाता। शराबबंदी का फैसला लेने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए। कहीं ये फैसला उल्टा ना पड़ जाए, कहीं फायदा करने की बजाय हम लोगों का नुकसान ना कर दें। उसके कॉन्सिक्वेंसेस सही गलत सब कुछ चेक करने पड़ते हैं। हम तुम्हारी शराबबंदी के फैसले के खिलाफ नहीं है। इस तरीके से जो तुमने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, हम उसके खिलाफ है। तुम्हें लगता है ना कि तुम जो कुछ भी करती हो हमेशा सही करती हो, इंसाफ दिलाती हो? नहीं, हमसे मत पूछो, इससे पूछो। इसके जैसी हजारों औरतों से पूछो कि तुम्हारा जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला सही है या गलत। क्या ये सच है? कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे, ये जो भी बोल रही है क्या वो सच है? देखा शिवानी, क्रांति डरा कर नहीं, लोगों को जगा कर लाई जाती है। अगर तुम बदलाव चाहती हो तो पहले लोगों को उनकी नींद से जगाओ। शुरुआत वहीं से होगी। न्याय से बड़ा धर्म और कोई नहीं है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। न्याय वही जिसमें सबकी भलाई हो। किसी भी समस्या का सिर्फ न्याय से काम नहीं चलता, समाधान ढूंढना पड़ता है। तुम अगर सिर्फ न्याय दोगी तो शायद किसी एक घर का अंधेरा मिट जाए लेकिन बदले में दूसरे घर में अंधेरा छा जाए, लेकिन समाधान ढूंढोगी तो सारे घरों में दीप जलेंगे। तजुर्बा कहता है हमारा, अंधा इंसाफ आंखों देखा अन्याय ही होता है। वक्त है शिवानी,
फैसला वापस ले लो। शिवानी फैसला वापस लेने के लिए फैसले नहीं लेती है जस्ट, बातों वाली बाई। हर बड़ा फैसला वक्त मांगता है, बलिदान मांगता है। अरे आजकल तो मौत भी मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए भी हॉस्पिटल जाकर बड़े बड़े बिल चुकाने पड़ते हैं। तो फिर ये क्रांति कैसे मुफ्त में मिल जाएगी? शराब के खिलाफ अब ये लड़ाई तब बंद होगी जब इस शहर से आखिरी शराब की बूंद भी खत्म होकर रह जाएगी। और रहा सवाल हमारे ऐलान के साइड इफेक्ट्स का, तो आज से कोई भी इस शहर में शराब तो क्या, शराब की खाली बॉटल भी नहीं बेच पाएगा। शिवानी की जबान। मुझसे शादी करेगा? 6:05 हो गए। ना रिलैक्स, व्हाट हैपेंड? कई बार बोल रहे इतना खतरनाक खोपड़ा लेकर हमारे सामने अचानक से मत आया करो। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ हमारी जिंदगी में। निशाचर आदमी, अपनी तरह एकदम दुष्ट और पॉल्यूटेड बना दियो तुम हमको। पॉल्यूटेड? बात क्या है वो तो बताओ। बात क्या है मतलब? यहाँ पर बैठकर हम संतोष जी के बारे में सोच रहे थे। अरे यार, लेकिन हमारे दिमाग में लगातार वो डेट वाली लड़की का शकल घूम रहा है, क्या करें हम? बबीता, बब्बू, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, आग लगी, आग लगी, फायर ब्रिगेड, सुपर। बसना बसना नाच। प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो। माँ आज तो संडे है, किस भगवान का प्रसाद बांट रही हूँ? अरे ये मुक्ति का प्रसाद है। मुक्ति कौन सा देव है? अनजाने में ही सही, बकरे का मांस खाके जो हमने घनघोर अपराध किया था, जो घनघोर पाप किया था ना, उससे हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। अच्छा, आज हमने 1000 बकरियों को भोजन कराया है, तो गुरुजी ने हमसे कहा है कि हम इस पाप के ऋण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। अच्छा, और अपनी मासूम बहू को जो आप सुबह शाम प्रताड़ित करती हैं, उसका महापाप जो है उसके बारे में नहीं सोचा आपने? अच्छा, हम करते हैं अपनी बहू को प्रताड़ित, और हमारी बहू के सुबह शाम हमारी आरती उतारती है वो नहीं करती हमें प्रताड़ित, वो नहीं करती घनघोर पाप, तो उसे अपनी पाप मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? मैडम सर, क्या हुआ? मैडम सर, आप तो शिवानी से मिलने गई थी ना, क्या हुआ वहाँ? शराब के खिलाफ अब ये लड़ाई तब बंद होगी जब इस शहर से आखिरी शराब की बूंद भी खत्म होकर रह जाएगी। और रहा सवाल हमारे ऐलान के साइड इफेक्ट्स का, तो आज से कोई भी इस शहर में शराब तो क्या, शराब की खाली बॉटल भी नहीं बेच पाएगा। शिवानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शिवानी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो फैसला लिया है उससे कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। उसे हम नहीं समझा पाए कि जब सरकार ऐसा फैसला लेती है तो उसके पीछे बहुत सोचा समझा जाता है, एक पूरा सिस्टम काम करता है, उसके फायदे नुकसान कॉन्सिक्वेंसेस सॉल्यूशन सब कुछ चेक किया जाता है, लेकिन वो इतने नशे में है ताकत के कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीता चतुर्वेदी जी, मैडम आज रात अब राउंड पर जाएंगे। पुष्पा जी, आप गाड़ी निकालिए, हम सामान लेकर आते हैं फिर घर चलते हैं। जी मैडम सर। हेलो। तो कैसी है हमारी जस्ट बातों वाली बाई? अरे बहुत खराब मूड से यहाँ से निकली थी, सोचा कि हाल चाल जान लूं। देखो सच कहे तो हमें तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है शिवानी। मैडम सर तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, अगर वो इस शहर में रहेंगी तो तुम्हारे ऊपर कानून का तलवार हमेशा लटका रहेगा। बात तो तुम ऐसे करते जैसे तुम उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक हो। देख तेरी हसीना मैडम और मेरे बीच में लाख दुश्मनी सही, लेकिन उसकी सच्चा ईमानदारी और ड्यूटी के लिए मैं उसके जज्बे की हमेशा से फैन रहूंगी। उसके दिल में जो आग है वही आग मेरे सीने में भी जलती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी आग का रंग मरून है और उसकी आग का रंग खाकी है, तो हम दोनों बिल्कुल एक जैसे, इंसाफ के शहदाई। अच्छा,
इतना ही पसंद करती हो तो अपनी चिंगारी को बुझा के मैडम सर की तरफ काहे नहीं हो जाती हो? हाँ, लेकिन ये तो वो भी कर सकती है। उसको बोलना कि अपनी खाकी उतार कर हमारे रंग में रंग जाए। देख, तू भी जानती है कि ऐसा होने नहीं वाला है। ना ही वो अपनी खाकी उतारेगी और ना ही मैं अपना रंग निकालूंगी। अपने अपनी आग, अपने अपने तरीके, अपनी अपनी तपीश, जिसको जैसे जलना ठीक लगे। देखो शिवानी, तुम्हारा जो ये शराबबंदी का तुमने ऐलान किया है ना, जो तुम्हारा फरमान है, ये नाजायज है, गलत है। इसके चक्कर में बहुत सारे घर जो है वो बहुत कुछ सह रहे हैं। तुम इसको बंद कर दो जितना जल्दी कर सकती हो, वरना कौन कितना दिक्कत में आएगा वो हमको नहीं पता। लेकिन तुम्हारा चिंगारी गैंग तुम्हारे इस ऐलान के वजह से बहुत बड़े दिक्कत में आ जाएगा, ये हमारा पर्सनल गारंटी है तुमको। तू मेरी चिंता मत कर डार्लिंग, तू अपने मैडम सर की चिंता कर। वो क्या है ना कि आजकल तेरी मैडम का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। शिवानी नाम का ग्रहण उसकी कुंडली में बैठा हुआ है। रखती हूँ। कुछ छुपा रही हैं? नहीं नहीं मैडम सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं आपसे। आपको ऐसा काहे लग रहा है? क्योंकि हम आपको जानते हैं करिश्मा सिंह, इसलिए कह रहे हैं कि आप कुछ छुपा रही हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, बर्ताव, सब कुछ अचानक से बदल गया है। और हम जिस करिश्मा सिंह को जानते हैं वो तो नजरें मिलाकर बात करती हैं, आप तो ऐसा नहीं कर रही। इसलिए एक बार फिर से पूछ रहे हैं, क्या आप कुछ छुपा रही हैं? नहीं नहीं मैडम सर, आपसे नजरें नहीं, वो कुछ ऐसा लगा आंख में है इसलिए ऐसा नीचे देख रहे होंगे। कुछ भी नहीं छुपा रहे, आपको कुछ गलत लग रहा है। वो एक अर्जेंट, हमें कहीं पहुंचना है, हम मिलते हैं। तैयार हो जा, जाना है। रुक जा, मैं लठ लेकर आती हूँ। अरे कमबख्त, किसी को पीटने नहीं जाना है, कहीं और जाना है। और कहाँ जाना है? पिक्चर देखने। रताई तू जा रहे, मैं ना आ रही, मेरा मन नहीं है। अरे हाय हाय, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मैं पिक्चर के लिए मना कर रही? रताई यहाँ हमारी पिक्चर की लगी पड़ी है, मैं दूसरी पिक्चर के खाक एंजॉय करूंगी। क्यों, क्या हुआ? वो थारा डेटिंग है पाला चितेश्वर है ना, हमारे मैसेज का जवाब भी ना दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे, लगता है सांप सूंघ गया या फिर मैं ही ना पसंद आई उसे। अरे खरबुद्धि, प्यार है पिज्जा नहीं कि आधे घंटे में डिलीवरी हो जाए। दिल का मामला है, कुछ वक्त लग जाता है इसमें, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त दे दो, सब्र करो, आ जाएगा जवाब। पक्का आ जाएगा ना ताई? तूने तो खुश कर दिया ताई, चल चलते चल। अरे तुम सब साथ में कहाँ जा रही हो? मैंने बुलाया है। इस शहर में हमारे बहुत से लोग हैं, बहुत से समर्थक हैं, बहुत से इन्फॉर्मर्स हैं। उन सब को जाकर एक्टिव करवा दो, अलर्ट करवा दो कि आज से इस शहर में शराब की ब्लैक मार्केटिंग बंद, यही उनका काम होगा। और अगर कोई भी शराब बेचता या खरीदता दिखाई दे तो उसे बता देना कि चिंगारी संगठन के फरमान के अगेंस्ट जाना या उसका सम्मान नहीं करना, उसका क्या अंजाम हो सकता है। चाहे जो करो, आई डोंट केयर, लेकिन आज से, अभी इसी वक्त से, शराब की एक भी बूंद इस शहर में ब्लैक में नहीं बेची जाएगी। समझ में आई बात? ये शिवानी की जबान का सवाल है। कोई सवाल? गुड। पुष्पा जी, पुष्पा जी, क्या करें, किस मुसीबत में फंस गए हम। क्या बता दे मैडम सर को कि हम शिवानी के गैंग में शामिल हो गए हैं, क्योंकि हम उसका जुर्म का साम्राज्य ध्वस्त करना चाहते हैं। नहीं नहीं,
वो कभी सहमत नहीं होगी हमारे इस कदम से। उल्टा हमको ही गलत समझ लिया तो। लेकिन हम इस तरह मैडम सर से झूठ भी तो नहीं बोल सकते। क्या करें अम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। अरे एक ही रूम में उठा लिया, आप जाग रही हैं अभी तक? जब दिमाग और दिल कहीं इधर उधर लगा होता है ना तो नींद नहीं आता है मैडम सर। लल्ला की तो भागी फूट गए। लल्ला के बारे में सोच रही थी आप? आपके बारे में सोच रहे थे, आपसे कुछ कहना था तो वही सोच रहे थे कि मतलब कैसे कहे। भूल गई हमने क्या कहा था। जब भी कोई बात कहनी हो तो उसे कहने का सबसे आसान तरीका है कि उसे बस कह देना चाहिए। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर हमें बताइए। बात दरअसल मैडम सर ये है कि पुष्पा जी बहुत जोरदार खराटे लेती है ना, वैसे कर्ण बेदी खराटे लेती है आप उसमें सो नहीं पाएंगी। हमें लगता है हम क्या हमारे पड़ोसी भी नहीं सो पाएंगे इनके खराटों के साथ। प्लीज बताइए कोई उपाय है, सर दुखने लगा है अब हमारा, कैसे बचे इनके खराटों से? कान में रुई डाल दीजिए मैडम सर, आपको नींद आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। भूख लगी है, ठीक से खाना भी नहीं खाया आज। मैं सो रहे बेचारी, रसोई घर में जाके देखते खाने को कुछ मिलता है क्या। खाला कोई फोन करके पूछते हैं। पुष्पा जी, हेलो, हाँ पुष्पा जी क्या हुआ? बहुत जोर की भूख लगी है, भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही है हमें। रसोई घर में खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं, इसलिए सोचा आपको फोन करके पूछे खाने के लिए कुछ है। सामने फ्रिज दिखाई दे रहा है आपको? खोले खड़े हैं। ऊपर वाले रैक पे आपको डिब्बा दिख रहा है? ऊपर वाले, हाँ है। उसमें से खा लीजिएगा, उसमें कटलेट है। हाँ खा लेते, बहुत बहुत शुक्रिया आप, बहुत अच्छा। तारीफ ही नहीं सुनी तो अब क्या करें हम। हेलो पुष्पा जी, आपने जिस डब्बे में से कटलेट खाया वो ऊपर वाली रैक पे था? हाँ, जो आपने बताया। बेड़ा गर्क। मतलब? दरअसल आपको नीचे वाली रैक में जो डब्बा था ना उसमें से खाना था। उसमें क्या था? उसमें कटलेट ही है, वेज कटलेट है। तो जिस डब्बे में से हमने कटलेट खाए वो नॉन वेज था, मटन कटलेट। हमने फिर से बिट्टू को किट्टू करके खाया। शिव जी, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मजा आ गया दो घूंट पी के। खत्म हो गई। क्या क्या है? और शराब चाहिए, बहुत पैसा है मेरे पास, तू जिधर से लाया उधर मुझे भी नहीं, किसी को बताना नहीं है। नहीं यार, शराब
सीधे चले जाओ वो टक्कर पे, वहां से आप बाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ दुकान नंबर 8 याद रहेगा ना? पक्का। ठीक है, भूलना नहीं। अरे जाना। ठीक है, जा रहा हूँ। चलो। मिलेगी? हाँ, क्या चाहिए? नहीं वो नहीं। आपको? हाँ तो कहाँ जा रहा है? कहाँ? मारो इसे। वही जो शिवानी ने कहा था, बता दे, चिंगारी गैंग के फरमान को अनदेखा करने वालों के साथ और उसको ना मानने वालों के साथ क्या होता है? माफ कर दो, मैं माफ कर दो, कैसे कैसे माफ कर देंगे? गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। तो रेडी हो? ताजी माफ कर दो, आज के बाद लेख में शराब कभी कभी नहीं भेजूंगा। ताजी माफ कर दो। अब चपड़ गंज जुगाड़ हुआ कि नहीं? अब दारू का जुगाड़ पूछा और किस चीज का? सुन, 200-400 एक्स्ट्रा चलेगा। अच्छा, रख फोन। जुगाड़ हुआ। चकना प्लेट मिली है, दारू ढूंढ रहे। जुगाड़ हुआ कि नहीं? अबे बिल्ले, नहीं हुआ। वो चिंगारी गैंग के डर की वजह से सारे धंधे बंद हो गए, जहाँ जहाँ शराब मिलती थी सब बंद हो गए, ब्लैक में जो मिलती थी वो भी बंद हो गया। अरे यार, जब मिलती थी तो पीने का मन नहीं करता था, अब इतना मन है मिल ही नहीं रही पीने को। पहले पता होता दारू बंदी हो रही है तो 2-4 खंबे निकल के फट लेते। आइडिया। क्या आइडिया है? एक काम करते हैं, आज ना चाय को ही बदनाम की चाय को शराब से मस्त पीते हैं। अबे झापड़ी के मुंह पे बेइज्जती। अच्छा है, अच्छा है। चल, इसका मुंह देख के बेइज्जती की भी बेइज्जती हो रही है। आज जे दारू का जुगाड़ है? अरे खबरदार, पूछा अगर दारू का जुगाड़ है क्या तो। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अबे यहाँ पे एक जगह मिली है, यहाँ पे कच्ची दारू मिलती है। आ जाओ तुम, कच्ची दारू पी के रिश्ते पक्के करते हैं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट। आ रहा हूँ। जुगाड़ हो गया? बिल्ले जुगाड़ सब हो गया अभी। क्या बात कर रहे हैं, चकना काम आया? हाँ। चकना काम आया। बिल्ले जीजा को जो है ना कच्ची शराब मिले, वहाँ जाके चकना साथ मिले के चल, वही पीते अपन। कच्ची दारू लो स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड का नहीं है ब्रो, मेरा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। पूछा पीते हैं उनसे भी नहीं यार, गले के नीचे नहीं उतरती, बहुत बदबू मारती है। मैं तो अकेला जाएगा, अकेला पीगा, माँ का, बाप का, दादा का, सबका तरफ से मैं पिएगा। रे ये तेरे काम का नहीं, चल बाय, गुड बाय। क्या स्टैंडर्ड इस आदमी का? लो स्टैंडर्ड। हाँ, चकना भी लेके गया, अब क्या कर। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ये? हम बोतलें नहीं फोड़ेंगे तो चिंगारी आके इन्हें फोड़ देंगे, और वो फोड़ने आए तो बोतलों के साथ मुझे भी फोड़ देंगे, इससे अच्छा हम सभी फोड़ देंगे।
जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई मलिक, बधाई हो बधाई। अरे हमारे शहर से शराब की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुके हैं। आधे ब्लैक मार्केटियों ने तो सरेंडर कर दिया और बाकी आधे शहर छोड़कर भाग गए। अरे भाई हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा शहर नशा मुक्त हो चुका है। हमारा शहर एकदम साफ और स्वच्छ हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। हाँ। नहीं सर, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है। चिंगारी गैंग की वजह से हुआ है, हम सब जानते हैं। सर काजम नहीं समझती क्या आप? हैं? हम आपको ताना मार रहे हैं, ताना। जो काम आपका महिला थाना नहीं कर सका वो काम चिंगारी गैंग ने कर दिया। अरे भाई जिसने भी किया, जो भी किया, सही किया। हमारा शहर नशा मुक्त हो गया, हमारे सर से ये टेंशन मुक्त हो गया। हाँ। सर आपको सच में लगता है कि चिंगारी गैंग ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है? नहीं सर, ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इसे देखकर जो है कुछ टाइम तक ये नकली शराब बनाने वाले अपने बिल में छुपकर बैठ जाएंगे, जैसे ही सारा मामला ठंडा हो जाएगा ये अपने बिल से निकलेंगे और जोर शोर में अपना काला धंधा फिर से शुरू कर देंगे। सर सर चिंगारी गैंग ने शहर को ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया है कि ये एक बारूद की तरह बन गया है जो कभी भी फट सकता है। ये सोल्यूशन नहीं है सर, ये सिर्फ एक टेम्पररी तरीका इन चीजों को रोकने का। और पता नहीं हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं। सॉरी सर, जय हिंद। जय हिंद। शिवानी के फरमान का जिस तरह हमारे शहर लखनऊ पर असर पड़ रहा है, अगर हमने जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। किसी भी हाल में हमें शिवानी को रोकना ही होगा। चाय आपके सामने पड़ा पड़ा ठंडा हो गया, आप पी नहीं रही हैं। समोसे आपके सामने पड़े एकदम कड़क समोसे, वो आप खा नहीं रही हैं। हमसे भी बवाल नहीं कर रही हैं। क्या दिक्कत हो गया? इतना काय नर्वसी आ रही हैं आप? अब क्या बताएं आपको? जैसे तैसे इतनी मुश्किल से पहले पाप से मुक्ति पा ली थी हमने, मगर अनजाने में फिर से हमसे वही घनघोर अपराध हो गया है। का? वो खा लिया। का खा ली? ये खा लिया ना? हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? गाना सुनाना था। अम्मा क्या बकैती कर रहे हो? थाना है ये, गाना सुनाना चाहता है। अरे भैया ऐसा गाना सुझाएंगे ना तुम्हारा कि जिंदगी भर तुम्हारी हड्डियों से ना हारमोनियम की आवाज आएगी, समझे? रख फोन, रख। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। बस बस बस, वैसे सुर तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा, मगर मुर्गियां जो थी ना। मुर्गियां? बाप रे बाप। मुर्गी मुर्गी मुर्गियां सही नहीं थी। देखो चौदहवीं का चांद हो या जय मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। ये क्या हो रहा था? इसका फोन। माँ रिंगटोन है, अभी भी क्यों डर रही हो? क्या हो गया? तुम्हारी माँ इस बार बिट्टू नहीं गट्टू को काट के खा गई है। गट्टू को कट्टू करके खाई? गलती से खा लिया ना। मैडम मैडम ये बात मैडम, मैडम मैडम मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। शांत 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 हो जाओ, क्या हुआ? मेरे पति हरीश और बदनाम भैया। बदनाम? मतलब अब बदनाम की बहन हो? हाँ, हाँ। कैसे हो सकता है इतना कॉन्ट्रास्ट? बस चुप रहो। हाँ बोलो। वो कई घंटों से गायब है। मैंने दोनों के फोन को ट्राई किया पर सिर्फ घंटी जा रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे सर उन लोगों को कुछ हो गया। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ बिल्ले, जीजा को जो है ना कच्ची शराब मिले वहाँ जाके चखना, साथ में लेकर चल, वही पीते अपन। नहीं नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ है। मतलब बदनाम आपके पति, मतलब बदनाम के जो जीजा जी है, उनका फोन आया था बदनाम को कि कच्ची दारू कहाँ मिलती है, वो जगह उनको पता है, वो दोनों वही गए हैं। क्या? लेकिन उन दोनों को गए हुए बहुत टाइम हुआ है। घबराइए मत, हम उनको ढूंढ लेंगे, पुलिस आपके साथ है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। चीता फोन से उनका लोकेशन ट्रैक करो फॉरन। जी मैडम। सर आप बैठिए, आप बैठिए, आइए बैठिए आराम से। बिल्लू पानी लेकर उनके लिए जाओ, आराम से। हाँ पानी।
बदनाम 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 चेक करो जल्दी एम्बुलेंस को बुलाइए। जी जी मैडम। बदनाम अरे बदनाम ताई फोन तुम्हें कहा था ना कि शराबबंदी का ऐलान बंद कर दो तुम्हें पता है तुम अपने इस अड़ियल अड़ियल बिहेवियर की वजह से तुम कितना मुश्किल में आ सकते हो तुम आ गई हो तुम्हारे शराबबंदी की वजह से जो नकली कच्ची शराब बनी है ना वो पी के लोग अधमरे पड़े हैं और अगर किसी एक का भी जान चला गया ना शिवानी किसी एक का भी तो तुम तो गई कानून तुम्हारा जो करेगा सो करेगा लेकिन तुम्हें तुम्हें हसीना मैडम से कोई नहीं बचा सकता ये बात ध्यान रखना तुम ताई हसीना मलिक आई है कुछ औरतों के साथ मिलना चाहती है आपसे अर्जेंट शिवानी ताई हमें इंसाफ दो 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 हमने तुमसे कहा था शिवानी जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड ये हजारों में से वो चंद लोग हैं जो तुम्हारी अंधी जिद अंधी ताकत की वजह से परेशान है तुम्हारे शराबबंदी के फैसले की सजा ये भुगत रहे हैं वो लोग जो नकली जहरीली शराब पीने की वजह से फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं ये उनके परिवार वाले कोई माँ है कोई बेटी है कोई बहन कोई पड़ोसी कोई दोस्त कोई रिश्तेदार ये सब लोग सिर्फ ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके घर वाले ठीक हो जाएं, बच जाएं और सही सलामत अपने घर लौट आएं। और इनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो शिवानी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम यहाँ तो इंस्टेंट इंसाफ मिलता है ताबड़तोड़ फटाफट तो अब जवाब दो हिसाब दो इन्हें करो इनके साथ इंसाफ हम भी तो देखें खुद को इंसाफ की देवी कहने वाली शिवानी जब खुद न्याय और अन्याय के कटघरे में खड़ी होती है तो क्या इंसाफ देती है खुद को क्या सजा देती है सजा देती भी है या नहीं दो इन्हें जवाब न्याय मिलेगा जरूर मिलेगा बातों वाली भाई 100% मिलेगा चिंगारी संगठन में सबके लिए न्याय बराबर का होता है फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या खुश शिवानी ताई चिंगारी संगठन ने आज तक जो भी काम किया है समाज के लिए उनकी भलाई के लिए किया है औरतों की भलाई के लिए किया है उनकी जरूरतों के लिए किया है शराबबंदी के ऐलान के पीछे भी चिंगारी संगठन की मंशा यही थी कि उस बुराई को खत्म करें जिस वजह से कई औरतों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी गलती हो गई मुझसे और हाँ ये बात मानने में ना ही मुझे कोई झिझक महसूस हो रही है और ना ही कोई शर्म कि शराबबंदी का मेरा ये ऐलान वाला फैसला गलत था ठीक कहा था तूने बातों वाली भाई हम संगठन है सरकार नहीं और ऐसे बड़े फैसले लेने के लिए जो सामर्थ्य दरकार हमें होने चाहिए वो है नहीं नतीजा ये था हमारे इस ऐलान का कि शराब माफिया को मौका मिल गया इस बात का फायदा उठाने का और जो नकली जहरीली शराब उन्होंने बनाई है उस वजह से कई मासूमों की जान आज खतरे में है गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती और कोई भी माफी या पश्चाताप इसके सामने छोटा ही दिखने वाला है इसलिए शिवानी ताई इस ऐलान को वापस लेती है और इस बात का वचन देती है कि ये पाबंदी दोबारा लगाई जाएगी लेकिन पूरी समझदारी और व्यवस्था के साथ अब ये तो हो गई भूल सुधार अब बारी है न्याय की हमारी इस गलती के वजह से हमें क्या दंड मिलना चाहिए बिन्नी अगर किसी एक इंसान के वजह से किसी और को तकलीफ पहुंची हो या उसका दिल दुखा हो तो उसके लिए क्या दंड मिलना चाहिए हमारे यहाँ सायरा ताई 5 लाठी क्या सुनाई नहीं दिया जोर से बोलिए ताकि सबको सुनाई दे
उस अपराधी को 5 लाठियां खानी पड़ती। तो फिर मारिए मुझे। शिवानी ताई ये ऐलान करती है चिंगारी संगठन की प्रमुख होने के नाते कि उसकी की गई गलती के वजह से उसे 5 लाठियों से दंडित किया जाए। उठाइए लाठी, दीजिए मुझे मेरा दंड। दंड की कार्रवाई जारी है, दंड पूरा कीजिए ताई। सजा पूरी हो गई। वाह, लोगों की जान की कीमत सिर्फ 5 डंडे, क्या इंसाफ है शिवानी ताई। ये न्याय है चिंगारी संगठन का। ए! लगाओ तेरे भी एक लाठी। जब तक उनमें से कोई एक भी हॉस्पिटल में एडमिट है जिनकी जान वो खराब शराब पीने के वजह से खतरे में है, तब तक मैं शिवानी ताई अनशन पर रहूंगी। और ईश्वर ना करे अगर उनमें से किसी एक को भी कुछ हो जाता है तो वचन देती हूं कि मैं शिवानी पवार बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग दूंगी। तेरे को मेरा न्याय देखने का था ना जस्ट बातों वाली बाई, तो ये है शिवानी का न्याय। न्याय का तराजू अगर शिवानी की आहुति से बराबर होता है तो ये शिवानी इस आहुति को देने के लिए खुशी खुशी तैयार है। करिश्मा सिंह, वैसे बिल्ले यार तुम्हारा बात तो ठीक था। लड़की में कुछ ना कुछ बात तो है। बात है ना? हाँ। तो तू तैयार है मिलने के लिए? एक सेकंड भाई, बात तो सही है, बबीता हमें भी बहुत अच्छी लगती है। हम सोच रहे किससे अपना रिलेशन ऐसे कैसे जोड़े। हाउ 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 हाउ, तेरा हाउ बहुत बढ़ रहा है। इस फोटो पे तू अपना हाव भाव दिखा रही। अरे इसके लाइफ को मैं ट्रैक पे ला रहा हूँ पर तू अपना ट्रैक कहाँ बीच में घुसा रहा है जिसका टीआरपी नहीं आ रहा है। लेकिन चीते निठल्ले, आई लाइक योर एटीट्यूड, आई लाइक योर एक्सप्रेशंस। तुम बबीता में इंटरेस्ट ले रहे हो। देखो देखो फोटो देखो, इसकी फोटो देखो, ये देखो गिरा। इससे पहले तुम गिरे थे लेकिन गिर के उठना होता है। ये देखो गिरना पड़ना पड़ना गिरना चालू रहता है, लाइफ इज गोइंग ऑन। बिल्ले यार हमको लगता है ना कि जब कभी हम इस लड़की से दोबारा मिले तो एकदम मतलब इसे अपना वास्तविक रूप में मिले, चीता चेतेश्वर चतुर्वेदी बनकर जो हम हैं। अगली संडे की, इस संडे की जरूर जरूर। अब तो करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय, आइए मैं आपसे बात करनी है। जय मैडम सर। ये बात सब जानते हैं करिश्मा सिंह कि आपका और हमारा काम करने का तरीका, हमारी आइडियोलॉजीज, सब कुछ बहुत अलग है।
लेकिन फिर भी हमें लगता था कि हमारे बीच एक चीज कॉमन है और वो है सच्चाई, कि जो कुछ भी है वो सब कुछ आमने सामने है, सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिर भी आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जहन से उतर नहीं रही। मैडम सर देखिए, बदनाम का केस या ये कहे कि बदनाम की बहन का केस हमने लिया है, ये बात हमारे अलावा और कोई नहीं जानता था। तो फिर चिंगारी गैंग तक की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? उन्होंने आशा के पति पर हमला कैसे कर दिया? कोई तो है एक हमें से इन्फॉर्मर जो सारी बातें चिंगारी गैंग तक पहुंचा रहा है। मैडम सर, क्या आप शिवानी से मिलती हैं? क्या उससे बात करती हैं? क्या अभी आधे घंटे पहले आपने शिवानी से बात की थी? हाँ किए थे, किए थे, लेकिन उससे दोस्ती काटने के लिए नहीं किए थे। उसको धमकाने के लिए हम उसको फोन किए थे कि वो जो अपने पावर का बेहुदा नुमाइश करे उसको बंद करे। हम भौकाल छोड़े हैं, भूले नहीं हैं, ये बताना था हमें उसको। लोगों को अधमरा देख के हमारा दिमाग खराब हो गया, नहीं रुका गया हमसे, हमको उसको फोन कर दिए और उसको धमकाया और उसको बताया कि कितना गलत कर रही है वो। जरूरी था वो मैडम सर, इसलिए किए हैं हम, जो मन में आया बोल दिया हम उसको। वैसे मैडम सर, इस थाना में हम अकेले नहीं हैं, इस थाना में और भी बाकी लोग भी हैं, तो आप हम पे ही काय शक कर रही हैं? और भी लोग हैं मतलब? एक मिनट जरा यहाँ। और लोग हैं का मतलब क्या है आपका? नहीं नहीं, आपका इशारा हमारी तरफ ही था। आपको क्या लगता है कि हम गद्दार हैं? हम थाने की खबर शिवानी तक लेकर जाते हैं, हम उससे मिले हुए हैं। हो गया आप लोगों का? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस थाने में और भी असली प्रॉब्लम्स हैं जिसके सोल्यूशन हमें ढूंढने हैं? हर बार ये सास बहू का टंटा हम नहीं झेल सकते। हमारे इस थाने में कोई एक इन्फॉर्मर है और वो कौन है हम पता लगा कर रहेंगे। हमें सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन धोखा नहीं, हम ये सब बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मैडम सर न्यूज 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 देखिए। क्या हुआ? दम खतरनाक न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी मौजूद हैं रंगरेज गली में और अभी हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं शिवानी दाई से, जो पिछले दो दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। अपने लिए गए शराबबंदी के फैसले को लेकर उनके मन में बहुत दुख आत्मग्लानी है और इसीलिए वो इस अनशन पर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं गुजरते हर मिनट के साथ औरतें चिंगारी गैंग से जुड़ती चली जा रही है। साफ देखा जा सकता है कि शिवानी दाई के इस कदम के बाद चिंगारी संगठन की लोकप्रियता और शक्ति दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बंद करो ये। मेरा मन नीलेश प्रजापति के साथ, मैं मुकुल। क्या है ये, कैसी औरत है शिवानी? हमें तो समझ ही नहीं आ रही है, कोई अपने उसूलों का इतना पक्का कैसे हो सकता है ये? सच कहे तो अब इन 23 लोगों के साथ साथ हमें शिवानी की भी फिक्र हो रही है। पता नहीं, पुष्पा जी अब जरा थाना संभालिए, हम कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। जी मैम। चीते, मुझे लगा नहीं तू इतने जल्दी सब कुछ भूल जाएगा। का रे? मतलब इतने जल्दी मूव ऑन हो जाएगा अपने लाइफ में? लाजवाब, ग्रेट, सुपर। माँ यहाँ मूव ऑन क्यों हो रही है? क्या मुसीबत है, पता नहीं हमारे थाने के ग्रह कब सुधरेंगे। मुसीबतें ढूंढ ढूंढ कर हमारे थाने की जान पर आ ही जाती है। क्या हुआ माँ, अब क्या किया आपकी बहू ने? बहू ने नहीं, डीएसपी सर ने, उनका फोन था। लेकिन वो आप पर क्यों भड़के है? हम पर नहीं, मैडम सर पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया। मैडम सर ने? डीएसपी सर ने बिल्ले, हमने कहा डीएसपी सर से कि हम हमारा टिफिन भेजते हैं ना आपके लिए, उल्टा हम पर ही भड़के और कहने लगे मैडम सर को कहो कि अगर खाना खिलाना ही है तो शिवानी को खिलाओ ताकि उसका अनशन टूटे और हमारे डिपार्टमेंट के सर के ऊपर जो तलवार लटक रही है ना वो हट जाए। लेकिन पुष्पा जी, सब में मैडम सर गलती कहाँ है ना? अनशन पर बैठने का आइडिया जो था वो शिवानी का खुद का था ना? क्योंकि डीएसपी सर को लगता है शिवानी ने इतना बड़ा फैसला सिर्फ और सिर्फ मैडम सर की वजह से लिया है। ना ही मैडम सर उन लोगों को लेकर शिवानी के यहाँ जाती जिनके परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर अस्पताल में भर्ती है, ना शिवानी के अहंकार को चोट लगती और ना ही शिवानी अपनी चिंगारी गैंग की छवि बरकरार रखने के लिए अनशन जैसा इतना बड़ा कदम उठाती है। अब डीएसपी सर को ये डर लग रहा है कि इस अनशन की वजह से अगर शिवानी को कुछ हो गया तो उसके समर्थक जो पूरे शहर में फैले हुए हैं वो भड़क जाएंगे और हिंसा की ऐसी भयंकर लपटें उठेंगे ना जो हमारा डिपार्टमेंट नहीं बुझा पाएगा। पुष्पा जी, आपको क्या लगता है कि मैडम सर कोई पूरा संभावना का अंदाजा नहीं होगा? अरे नहीं भाई, मैडम सर हमारी और आपकी सीनियर हैं,
उनको बहुत पहले से अनुमान होगा इस प्रतिक्रिया का, समझ रही हैं आप? आप एक काम कीजिए, मैडम सर को फोन कीजिए, उनको सारा मैटर बता दीजिए और हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। मैडम सर को बहुत बढ़िया से आता है ऐसा परिस्थिति हैंडल करना। ये तुमने बिल्कुल सही कहा जीते, हम अभी मैडम सर को फोन करते हैं। हाँ निकलो। हाँ जाइए माँ, फोन कीजिए। तुम ना अपनी जबान को लगाम दो। अरे कैसा आदमी, किसी दिन मर मुरा जाएगा ऐसा देख के। चीता चतुर्वेदी, आपको एक बेहद सीक्रेट काम सौंपा जा रहा है। मामला बहुत सेंसिटिव है, इसलिए फिलहाल हम आपको इसकी डिटेल नहीं दे सकते। आपको करिश्मा सिंह का फोन टैप करना है, हमें उनकी हर कॉल डिटेल चाहिए और उम्मीद करते हैं आप इस बात का जिक्र किसी और से नहीं करेंगे। Hands up. बस कर रहे जहरीले सर्प मानो, बस नहीं यार, इतना परफ्यूम मार दिया लग रहा है खुद के जनाजा में जा रहे हैं, रुक जाना यार। ये चीती टिंडी वाली शक्ल क्यों बना के रखे हो? डेट पे जा रहे हो या चंदा मांगने? वो बबीता भी क्यों नहीं आई? 5 बजे आने वाली थी। 5 बबीता, तुमको एक ही चीज लगा रहता है, आना चाहिए ना उसको। हाँ ताई बोल। शिवानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है बिन्नी। के? बस तू जल्दी वापस आ जा। मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ बस जल्दी। सॉरी आज मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो अचानक से दीदी की तबीयत खराब हो गई है। होप यू अंडरस्टैंड। फिर मिलते हैं। ताई क्या हुआ जीजी ने? तबीयत बहुत खराब है, सुबह से कुछ खा पी नहीं रही बेटा। ताई। हाँ बेटा। हाँ कच्ची शराब पीने से जो लोग बीमार हुए उनमें से कितने ठीक हुए? वो अभी पता करते हैं। हेलो, हमें शिवानी से बात करनी है। हाँ सुन रही है, बोलिए। शिवानी, हमने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि वो 23 लोग जो जहरीली शराब पीने की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे उनमें से 22 लोग ठीक हैं। और वो 23वां मरीज? वो नहीं बच पाएगा, इसलिए प्लीज अगर हो सके तो ये अनशन छोड़ दो। अब नहीं, बात वाली भाई, वचन और न्याय दोनों जब पूरे होते हैं तो ही उसके कोई मायने होते हैं। और वचन का न्याय तो यही कहता है ना कि अगर उनमें से किसी एक की भी जान चली जाएगी तो शिवानी को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। जूस तो पी ले बेटा। ताई क्या हुआ जीजी ने? तबीयत बहुत खराब है, सुबह से कुछ खा पी नहीं रही बेटा। डॉक्टर ने बुलाया? अरे आइए आइए। आपने इन्हें कुछ खाने पीने के लिए दिया कि नहीं? दिया था लेकिन कुछ खा पी नहीं रही है। देखिए डिहाइड्रेशन और वीकनेस की वजह से बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। और इन्होंने कुछ खाया नहीं तो कुछ ही घंटों में इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ताई। हाँ बेटा। हाँ वो जो शराब, कच्ची शराब पीने से जो लोग बीमार हुए उनमें से कितने ठीक हुए? वो अभी पता करते हैं। हेलो, हमें शिवानी से बात करनी है। हाँ सुन रही है, बोलिए। शिवानी, हमने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि वो 23 लोग जो जहरीली शराब पीने की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे उनमें से 22 लोग ठीक हैं। और वो 23वां मरीज? वो नहीं बच पाएगा, उसकी फिजिकल कंडीशन पहले से ही खराब थी। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। और वो 23वां आदमी बदनाम की बहन का पति है हरीश। शिवानी प्लीज हमारी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हरीश की हालत पहले से ही बहुत खराब है, उसका लिवर पहले से ही आधे से ज्यादा सड़ चुका है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए प्लीज अगर हो सके तो ये अनशन छोड़ दो अब। नहीं बात वाली भाई, वचन और न्याय दोनों जब पूरे होते हैं तो ही उसके कोई मायने होते हैं।
मैंने पहले ही कहा था कि अगर उन 23 लोगों में से किसी को भी कुछ हो जाएगा तो शिवानी भी नहीं बचेगी। और वचन का न्याय तो यही कहता है ना कि अगर उनमें से किसी एक की भी जान चली जाएगी तो शिवानी को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। चीची, ये तुम क्या कह रही है? बिंदी, ताई का ध्यान रखना। तुझे ऐसे मत बोल। अभी उन्हीं को चिंगारी संगठन की जिम्मेदारी निभानी है। दिमाग खराब हो गया तेरा? कुछ भी बके जा रही है? अरे शिवानी है तू, शिवानी ताई, तुझे भला कभी कुछ हो सकता है? शिवानी हमारी बात सुन, अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी तलाफी है। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम उसे सुधारना चाहती हो, ये कितनी बड़ी बात है। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, प्लीज अनशन तोड़ दो। क्या बात वाली भाई, अपने दुश्मन के लिए इतनी फिक्र। तेरे को मैं पसंद तो नहीं आने लग गई? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे रास्ते का कांटा हटने वाला है। क्या? सिर्फ तेरे रास्ते से नहीं, इस पूरी दुनिया से भी। तजुर्बा कहता है हमारा कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, और अगर सब कुछ पाना हो तो उससे भी अच्छे दुश्मन बनाने चाहिए। शिवानी, तुम जैसी काबिल और उसूलों की पक्की दुश्मन को हराने में जो मजा है, खोने में नहीं। तू इंसान अच्छी है हसीना मलिक, बस गलत साइड पर है। ये तो हम तुम्हारे लिए भी कह सकते हैं, इंसान अच्छी हो तुम। अगर तुम्हारे जैसी मजबूत औरत सही साइड पर होती तो फिर तो बात ही कुछ और थी। बस कर यार, ऑलरेडी बीमार हूँ। अपने इस जज्बात वाली बीमारी देखकर और बीमार करेगी क्या? देख, मैं पहले ही अपना वादा दे चुकी हूँ और वो पूरा ही होगा। अगर इन 23 मरीजों में से किसी की भी जान जाती है तो मेरी भी अलविदा समझ लो। इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नहीं, हमारे शिवानी ताई का ही हुक्म है कि उन्हें कहीं नहीं ले जाया जाए। और हॉस्पिटल तो हरगिज नहीं। हमारे शिवानी ताई का हुक्म हमारे लिए भगवान का आदेश है, उन्हें कहीं नहीं ले जाएंगे हम। शिवानी, करिश्मा सिंह, मैडम सर, आशा के पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या? 12 घंटे के अंदर अंदर उसका लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ ना मैडम सर, तो हरीश का हालत और बिगड़ सकता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। फिर क्या कह रहे हैं आप? सच में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ पुष्पा? कुछ पता चला? जी मैडम सर, एक बहुत अच्छी खबर है। कहिए क्या हुआ? हरीश के लिए लिवर डोनर मिल गया। गुड, सच में अच्छी खबर है। हाँ, मगर उसके साथ एक समस्या भी है। क्या? मैडम सर, ये दान वाला लीवर जो है वो जेडी हॉस्पिटल में है जो कानपुर रोड पर है, उसे वहाँ से लेकर आना होगा और बसंत नगर वाले हॉस्पिटल में पहुँचाना होगा जहाँ ये हरीश एडमिट है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में। मैडम सर, कैसे होगा? मतलब अभी तो 5 बजे है, ट्रैफिक का समय है, कैसे होगा ये सब? और मैडम सर, अगर हरीश को कुछ भी हुआ ना तो शिवानी बच नहीं पाएगी मैडम सर। क्यों? मैडम सर, सूत्रों से पता चला है कि उसका ऑक्सीजन लेवल जो है लगातार गिरता जा रहा है, मतलब डॉक्टर कितना भी कोशिश कर लेना 1 घंटा से ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हर जान हमारे लिए कीमती है, हमें इन दोनों को बचाना होगा। ओके, एक काम करिए पुष्पा जी, आप तुरंत करिश्मा सिंह को फोन लगाइए, उन्हें पूरी सिचुएशन डिटेल में समझाइए, उनसे कहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके जेडी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां से निकलकर लिवर लेके वो पहुंचे हरीश के हॉस्पिटल में। उनका जो रूट है बीच का, उसको हम चेक करेंगे, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे, उस रास्ते में उन्हें कोई भी ट्रैफिक, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अड़चन ना आए, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। प्लीज बताइए उन्हें जल्दी। जी मैडम सर। उस एरिया का जो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर है, उनका नंबर निकालिए, हमें बात करनी है। जी मैडम। यहाँ साइन कर दीजिए मैम। कहाँ पे? यहाँ पे। डिलीवरी जल्दी पहुँचाना है, और आप जहाँ से जाएंगी वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम।
एक मिनट मैडम सर। हाँ, करिश्मा जी बात करना चाहती है। हाँ ठीक है, एक मिनट चीता तुम बात करो, समझाओ उन्हें आगे। हेलो, करिश्मा जी बात करना चाहती है। बोलिए, क्या हुआ करिश्मा सिंह? मैडम सर, लेबर हमें मिल गया हमारे हाथ में, लेकिन हमें पता चला है कि जिस रूट से हम आने वाले हैं ना, वहाँ पे ट्रैफिक जाम है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे कितनी जल्दी पहुँचा सकते हैं इसको, मतलब। करिश्मा सिंह काम डाउन प्लीज, प्लीज आप शांत हो जाइए। अगर हम पैनिक हो जाएंगे तो फिर हम बाकी सबको कैसे संभालेंगे, इसलिए प्लीज आपका काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हम इस एरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, एक मिनट। ओके करिश्मा सिंह, आप एक काम करिए, गुलाबी गंज से होते हुए आप निकलिए मंसूर गली। ये मेन हाईवे का रास्ता नहीं है, ये उसके पास की गली का रास्ता है, ठीक है? मंसूर गली से निकल के आप पहुंचेंगे नवाब चौक। नवाब चौक से होते हुए आप जा सकती हैं बल्ली चौक, और वहां से हॉस्पिटल बस 2 मिनट दूर है। अगर आप ये रास्ता अपनाएंगी तो आप जल्दी पहुंच जाएंगी। हाँ मैडम सर, ये तो बहुत अच्छा है, 14 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 7-8 किलोमीटर का हो जाएगा। धन्यवाद मैडम सर, हम ऐसे ही आते हैं। लेकिन वो गली तो बहुत, मतलब वहाँ बहुत बिजी रोड है मैडम सर, और कैसे हम गाड़ी लेके वहाँ पे? करिश्मा सिंह, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और जहाँ तक हमने आपके बारे में सुना है कि आप कॉलेज से लेके ट्रेनिंग तक नंबर 1 रेसर रही हैं, तो यही सबसे अच्छा मौका है आपके पास ये सब साबित करने का। जैसे भी कीजिए, अब ये आप ही को हैंडल करना है। साबित कीजिए कि आपके बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच है। जी जी मैडम सर। ओके ओके, गुड, ऑल द बेस्ट, जैसे ही पहुंचे हमें फोन करिएगा। देखिए मेरी बात को समझिए, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वरना कुछ हो जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। करिश्मा सिंह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके ओके, ताई उठो ना, ताई। सायरा जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए, शिवानी से कहिए कि करिश्मा सिंह लिवर लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, हरीश की जान बच जाएगी, अब वो प्लीज अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। तू बड़ी चालू चीज है बात वाली भाई, आखिर तूने शिवानी को बचाकर उस पर जिंदगी भर का एहसान चढ़ा ही दिया। ऐसा कुछ नहीं,
हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। जान किसी की भी हो बेशकीमती होती है। देखिए आपकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, आप ये सब बातें मत कीजिए। वार्ड बॉय इन्हें लेकर जाओ। नर्स सेट अप द ड्रिप प्रोसीजर फास्ट। शुक्रिया। क्या देख रही है बातों वाली भाई? चिंगारी गैंग को बंद कर दे, कुछ और सोच। ये पॉसिबल नहीं है। देख रहे हैं शिवानी, ताई अपने उसूलों के लिए किस हद तक जा सकती है ये हम अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेहत की फिक्र है। ठीक हो जाओ। और हाँ, तुम्हारी जान बचाने का असली क्रेडिट करिश्मा सिंह को जाता है। एक यही है जिन्होंने इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया। कीमत छेनी हथौड़ी की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले पत्थर को मूरत बनाने वाले मूर्तिकार की है। करिश्मा सिंह ने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर उसकी कर्जदार रहूंगी। लेकिन सच बात तो ये है कि आज अगर इस शिवानी को एक नई जिंदगी मिली है तो वो तेरी वजह से मिली है बातों वाली भाई। और ये एहसान शिवानी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तेरी नीयत अगर मुझे बचाने की नहीं होती तो शायद ये करिश्मा सिंह भी मुझे नहीं बचा पाती। हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। हाँ, लेकिन एक बात है जो हम तुमसे जरूर कहना चाहेंगे शिवानी। ताकत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आगे से तुम कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी इस जिम्मेदारी को याद करोगी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर हरीश का लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ही इज फाइन नाउ, आउट ऑफ डेंजर। और कुछ दिनों के बाद वो घर भी जा सकते हैं। करिश्मा सिंह जी, वेरी गुड जॉब। हाँ बोलो। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आपने उनसे बोली थी ना कि करिश्मा मैडम का फोन टैप करना है, उनका सारा कॉल रिकॉर्डिंग चेक करना है। हाँ हाँ, कहा था। तो हम किए मैडम सर। तो कुछ पता चला? अब मैडम सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बताएं आपको, क्योंकि हमारे लिए खुद ही मुश्किल है इस बात पर विश्वास करना कि ऐसा हुआ है मैडम सर। क्यों, क्या हुआ? मैडम सर, पिछला कई दिन से करिश्मा मैडम लगातार शिवानी से बतियाती है। हर रोज कई कई बार फोन पे बात होता है और घंटों घंटों बात होते हैं मैडम से। ये फोन लल्ला का ही है ना? उठाइए, हमें बात करनी। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, चिंगारी गैंग तक की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? उन्होंने आशा के पति पर हमला कैसे कर दिया? कोई तो है एक हम में से इन्फॉर्मर जो सारी बातें चिंगारी गैंग तक पहुंचा रहा है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि करिश्मा सिंह हमारे साथ धोखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। चीता, एक बात बताओ कि क्या करिश्मा सिंह और शिवानी सच में पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली टच में हैं? क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है? हम 100% श्योर है मैडम सर। अरे बहुत डिटेलिंग में सारा का सारा कॉल रिकॉर्डिंग चेक किए हैं मैडम सर। आपको पता है पिछला 10 दिन में 21 बार कॉल किए हैं करिश्मा मैडम और शिवानी ताई को। एकदम लंबा लंबा इतना देर तक बात चला है, क्या ही बताए मैडम सर। एक बात का हमको अफसोस भी है। आपको पता है करिश्मा मैडम जितना देर उस शिवानी से बतियाती है ना, उतना देर तो पुष्पा जी के लल्ला तक से नहीं बतियाती। बेचारे लल्ला, बताइए इनके फोन के आस में लगे रहे होंगे, शिवानी से बतिया रही है। चीता, अगर ये सारी बातें सच है
तो ये बहुत ही बुरी खबर है। इसका मतलब करिश्मा सिंह चिंगारे गैंग से मिली हुई है और वही है जो यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन शिवानी तक पहुंचा रही है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है ही, क्योंकि करिश्मा सिंह और शिवानी है तो बिल्कुल एक जैसे। सेम नजरिया, सेम तौर तरीके, सेम आइडियोलॉजी, वही गुस्सा, वही फितरत। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि शिवानी को बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होगी करिश्मा सिंह को कन्विंस करने में। मैडम सर, सच बोले तो हमको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि करिश्मा मैडम ऐसा कर सकती हैं। हम भी नहीं समझ पा रहे, हम ये बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि करिश्मा सिंह जैसी ईमानदार, फर्ज की इतनी पक्की, अपनी वर्दी के लिए इतनी लॉयल पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल की बातों में आ कैसे सकती है। नहीं, हम इतनी आसानी से इस बात को नहीं मान सकते। एक काम करते हैं, इस पूरे मामले को एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। एक काम करते हैं, इस पूरे मामले को एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। एक आइडिया है हमारे दिमाग में। पुष्पा जी, जरा यहाँ आइए प्लीज। बाबूजी ने कहा पीना छोड़ दो, पारू ने कहा चंद्रमुखी को छोड़ दो, पर सब ने कहा बिल्लू निवास छोड़ दो। नहीं नहीं मैडम सर, मेरा बिल्लू निवास मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम सर, शिवानी को बोल दो कि मेरा बिल्लू निवास छोड़ दो। तुम पहले सब करना छोड़ दो। ऐसा लग रहा है जैसे माइक्रोवेव में शाहरुख खान को सेक कर निकाल दिया गया। सब क्या कर रहे हो तुम? खामोश। चिंगारी गैंग को कहना शाम को बिल्लू आएगा, उसके वजह से मेरा बिल्लू निवास जा रहा है। तेरे बिल्लू निवास का तुम्हें सड़क पर लगाऊंगा, सड़क पर लगाऊंगा। तो क्या करूंगा, इसमें एक्टिंग, एक्टिंग कर रहा हूं, एक्टिंग करके मैं बंबई में जाऊंगा। पेट भरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बता इसमें का शाहरुख खान का एक्टिंग कौन सा है, मेरा एक्टिंग कौन सा है? अरे मिक्स वेजिटेबल, बस कर, बस बस कर, बस कर यार, क्या कर रहा है तुम? तुम तभी बोला ना कि शाहरुख खान बना हुआ है। मल्टी टैलेंटेड ना? मल्टी टैलेंटेड रे बानर, रे मल्टी टैलेंट। मैडम सर, आपने हमें बुलाया क्या? ये बिल्ली क्या नौटंकी, जाओ। अरे इसके बारे में क्या, तो देखिए क्या पहना हुआ है सब। अब हम कहें? अब आप लोग ध्यान से सुनिए, आप तीनों के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कानपुर रोड पर जो काली पहाड़ी है, उसके पीछे आपको एक आदमी मिलेगा, ब्रिजेश नाम का। उसने ग्रीन कलर का शर्ट, रेड कलर का मफलर और काले रंग का चश्मा पहना होगा। ये आदमी है कि तोता? हो गया बिल्लू। तो बात यह है कि ब्रिजेश के पास चिंगारी गैंग के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है। एक लाइव मर्डर का लाइव फुटेज है, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, और इतना इंपॉर्टेंट और पुख्ता सबूत है कि हम चिंगारी गैंग को हाथों हाथ पकड़ लेंगे। आप लोगों को वहां जाना है, उस आदमी से मिलना है, सारे एविडेंस कलेक्ट करके हमें ला कर देने, ताकि हम जल्द से जल्द चिंगारी गैंग को सलाखों के पीछे डाल सकें। क्लियर? हाँ मैडम सर, हम जरूर जाएंगे और अपनी जान हथेली पर रख कर सबूत लेकर आएंगे। मैडम सर, जिस शिवानी की वजह से हमारे थाने को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उसकी लंका का सर्वनाश करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैडम सर, हम जाते हैं। मैडम सर, जय हिंद, चलो। ये है हमारा प्लान। ये खबर एकदम झूठी है, एकदम फर्जी है, लेकिन इसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। सीता, याद रहे, इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। एक बार सच सामने आ जाए कि बाकी सारी बातें हम खुद करिश्मा सिंह से क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए ठीक है मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।